आप देख रहे हैं आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बड़वानी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तृतीय चरण में विकास खंड बड़वानी और पार्टी के मतदान केंद्रों पर 8 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए सामग्री वितरण और संग्रहण के कार्य में संलग्न होने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स को गुरुवार को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, अपर कलेक्टर रेखा राठौड़, SDM बड़वानी श्री घनश्याम धनगर द्वारा मतदान केंद्रों पर समझाइश देकर मतदान केंद्रों पर भेजने के आदेश दिए। इस दौरान दोनों विकासखंड के रिटर्निंग अधिकारी सहित मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निर्वाचन के तृतीय चरण में सामग्री वितरण के दौरान पीठासीन अधिकारी उत्कृष्ट विद्यालय निवाली के शिक्षक राकेश भाल से शराब पी कर आए। सामग्री वितरण के दौरान P3 पद पर कार्यरत और दोनवाड़ा के शिक्षक राम सिंह सोलंकी शराब पी कर आए। SDM बड़वानी श्री घनश्याम धनगर की रिपोर्ट पर कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। तीसरे चरण का जो है सब उसके लिए क्या तैयारियां सर? त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन का तीसरा और अंतिम चरण कल पार्टी और बड़वानी दोनों विकास खंड में है। यहाँ पर 394 मतदान केंद्रों पर कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है। आज सभी मतदान केंद्रों की पार्टी रवाना कर दी गई हैं और मतदान केंद्रों पर हमारी जो पुलिस पार्टी, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी जो लगाए हुए हैं उनको ब्रीफ किया हुआ है। हमारा जैसा दूसरा चरण हमारा बहुत शांतिपूर्ण हुआ था, जिसमें कोई समस्या नहीं आई थी और बहुत फास्ट काम हुआ था, ऐसे ही इस बार के जो तीसरे चरण का हमारा ये सीधा लक्ष्य रहेगा कि हम लोग 3 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त करा दें और सूर्यास्त होने से पहले ही लगभग 7 बजे तक हम लोग अपनी मतगणना समाप्त करके मतदान छोड़ दें। ये कल हमारा टारगेट रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोग कल के दोनों विकास खंड में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल होंगे। और मेरी सभी मतदाताओं से अपील भी है, सभी ग्रामवासियों से अपील है कि कल का जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अवश्य मतदान करें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। कोई लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सब पूरा चुनाव निष्पक्ष ही कराया जाएगा। सर आज कोई शराब पी कर आया कर्मचारी, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई? हाँ, उसमें मुझे जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ दो कोई अधिकारी शराब पी करके आए हुए हैं, उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। शासकीय सेवकों का जो कर्तव्य है कि वो कोई भी कर्तव्य स्थल पर दारू पी नहीं सकता है। ऐसा करने वाले लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे जो लोग हैं उनको भविष्य के लिए चेतावनी दी जा रही है कि यदि कोई शासकीय कार्य के समय में दारू पी के आते हैं तो उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पार्टी और बड़वानी का के लिए सामग्री वितरण का कार्य चल रहा है। इसमें बड़वानी में सामग्री वितरण के दौरान दो शिक्षक शराब का सेवन करके यहाँ आए हुए थे, नशे में धूत थे। इनके वजह से कलेक्टर महोदय को इससे अवगत कराया। कलेक्टर महोदय के द्वारा लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हुआ है। आपके दल ने सामग्री प्राप्त